Hello friends welcome back to ever study classes as you know that we are running a 5 minute series on a platform for net and set commerce and management exam and the topic for today's discussion is types of isocons इसके अलावा कुछ और भी कोर्सेज़ पेपर वन और पेपर टू के लिए हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं पेपर वन जनरल पेपर के लिए है मिनी कॉम्बो पैक एंड कंप्लीट कोर्स पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए है यूनिट स्नैपशॉट नोट्स प्रैक्टिकल यूनिट्स कोर्स कंप्लीट पेपर टू कोर्स यूनिट वाइज एक्सप्लेन पास्ट पेपर्स एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज़ भी जल्दी ही हमारी वेबसाइट डब्ल्यू पर अवेलेबल होगी सो व्हाट इज एन आइसोक्वांट कर्व आइसोक्वांट कर्व इनपुट फैक्टर्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन की एक जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है इस कर्व पर दो इनपुट्स का कोई भी कॉम्बिनेशन हमें सेम लेवल ऑफ आउटपुट देता है जैसे यहाँ पर हमें एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें फाइव कॉम्बिनेशन हैं, और हर एक कॉम्बिनेशन से जो आउटपुट है वो 1000 थाउजेंड ही आ रहा है पहली कॉम्बिनेशन में हमारे पास है लेबर यूनिट वन और कैपिटल यूनिट्स ट्वेल्व इससे हमारा आउटपुट आ रहा है वन थाउजेंड केजीज सिमिलरली कॉम्बिनेशन बी में हमारे पास है लेबर यूनिट्स टू और कैपिटल यूनिट्स इससे भी हमारा आउटपुट 1000 ही आ रहा है और जो बाकी के हैं, हैं। वो भी हमें 1000 आउटपुट ही दे रही है। इसी चार्ट हर एक पॉइंट पर हमें सेम है। तो यहाँ पर चाहे हम कोई भी कॉम्बिनेशन कंसिडर करें अपनी लेबर यूनिट्स और कैपिटल वर्ड आइसो क्वांट दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है आइसो एंड क्वांट आइसो का मीनिंग है इक्वल एंड क्वांट स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी तो वर्ड का ऑल टुगेदर मीनिंग हुआ सेम वॉल्यूम और कांस्टेंट आउटपुट एट ऑल पॉइंट्स। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ आइसो कर्व्स एंड द फर्स्ट वन इज लीनियर आइसो कर्व ये काफ़ी अनरियलिस्टिक अप्रोच है जहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस में एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट कर रहा है जहाँ पर हमारा आइसोकॉन्ट कर्व एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पर कैपिटल इंटायरली लेबर से रिप्लेस हो गई है सिमिलरली जब कर्व वाई एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पर हमारी पूरी प्रोडक्शन सिर्फ कैपिटल से ही हो रही है विदाउट एनी लेबर लेकिन क्या यह पॉसिबल है बिल्कुल नहीं सो दिस इज एन अनरियलिस्टिक अप्रोच नाउ द नेक्स्ट वन इज राइट एंगल आइसोकॉन्ट कर्व। इस कर्व के अकॉर्डिंग किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल होता है या फिर एक ही मेथड होता है और कोई भी सब्सटिट्यूशन पॉसिबल नहीं होता तो यहाँ पर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्हें हम एक दूसरे से रिप्लेस नहीं कर सकते इसीलिए एक राइट एंगल आइसोकॉन्ट कर्व फॉर्म होता है दिस कर्व इज ऑल्सो नोन एज लियॉन्टिफ आइसोकॉन्ट और इनपुट आउटपुट आइसोकॉन्ट एंड इज ए राइट एंगल्ड कर्व नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑफ़ प्रोडक्शन में सब्सटीट्यूशन पॉसिबल तो है बट अप टू अड एक्सटेंट तो इसमें फैक्टर्स की सब्सटीट्यूशन हम किंग्स में देख सकते हैं और एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के यहां बहुत ही कम प्रोसेस होते हैं कर्व एक्टिविटी एनालिसिस प्रोग्रामिंग आइसोकॉन्ट और लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोकॉन्ट अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्वेक्स आइसोकॉन्ट कर्व इस कर्व में भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट ये कर्व ना तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और ना ही वाई एक्सिस को यानी हर एक कॉम्बिनेशन में हमें कैपिटल भी चाहिए और लेबर भी तो सब्सटीट्यूट पॉसिबल है लेकिन कुछ एक्सटेंट तक सो दॉज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ आइसोकॉन्ट क्वॉन्ट कर्व आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये है आज के टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप इसे अटेम्प्ट करिए और आपके जो भी आंसर्स हैं उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन रीच अस एट द डिटेल्स मैंशन ऑन योर स्क्रीन यू कैन डाउनलोड द पी डी एफ ऑफ दिस वीडियो फ्रॉम आर टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अ फ्री लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर फॉर फुल कोर्सेज प्लीज विजिट डब्ल्यू 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 डॉट एवर स्टडी डॉट को डॉट इन थैंक यू